हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। राठौड़, अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिसंबर का लेट पास दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आपको सबसे शुरू मिलेगी एक ग्रेनेड की स्किन, दो मिलेंगे अवतार, एक मिलेगी फीमेल की जैकेट और कुल मिलाकर ये लेट पास देखते हैं कि कैसा होने वाला है। यहाँ पे आगे आपको मिलेगा एक बैनर, एक मिलेगी फ्री की टी शर्ट और ये सभी वेस्ट को हाइड नहीं करती है, फालतू की टी शर्ट है, किसी काम की है नहीं। यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलेगा एक फीमेल का बंडल जो कि लाइट पास का मेन बंडल है फीमेल का। ये दिखने में आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, ये जो पूरा बंडल है यहाँ पे जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं यानी कि जो कार्ड्स होते हैं उनकी थीम पर डिज़ाइन किया गया है और उतना अच्छा तो नहीं लगा मुझे फीमेल का बंडल, कुल मिलाकर ठीक ठाक बंडल लेकिन इसको और अच्छा डिज़ाइन किया जा सकता था। इसके आगे हमको मिलेगी एक परांग की स्किन, एक मिलेगी सरबोट की स्किन और ये सरबोट की स्किन यार सेम लग रही है पिछले वाले लाइट पास की जैसी, पता नहीं क्या हो गया, मतलब कि पिछले वाली जैसी सेम लग रही है मुझे। और आगे मिलेगी हमको एक गन स्किन जिसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है प्लाज्मा की और मिलेगा हमको एक फिर से अवतार मिल जाएगा और ये अवतार काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसी लाइट पास के। मुझे लूट बॉक्स भी काफ़ी अच्छा लगा है, लूट बॉक्स बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया है यहाँ पे इन्होंने। बैकपैक की स्किन देख सकते हो और बैकपैक की स्किन लेवल 3 पे काफ़ी अच्छी लग रही है, लेवल 2 पे तो कुछ खास एनिमेशन है नहीं, लेवल 1 पे भी ठीक ठाक लग रही है, कुल मिलाकर बैकपैक की स्किन काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे हमको एक इमोट भी देखने को मिलेगा जो कि उतना कुछ खास है नहीं, आपने देखा होगा कि इमोट में ये कुछ खास चीज़ें कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी ठीक ठाक इमोट है, उतना ज़्यादा इमोट अच्छा लगा नहीं मुझे तो। और आगे देखते हैं इस लाइट पास में और हमको क्या मिलना वाला है। यहाँ पे हमारा जो मेल बंडल है वो बचा हुआ है तो मेल बंडल देख लेते हैं कि मेल बंडल किस तरीके से दिखने वाला है। तो ये लाइट पास का हमारा मेल बंडल होने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है, एनिमेशन तो ठीक ठाक है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्ड्स होते हैं हमारे इंडियन जो कार्ड्स होते हैं जो हम पत्ते खेलते हैं ताश के पत्ते उनसे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन करना था इस बंडल को, बाल उतने अच्छे नहीं लगता, मतलब कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं उनकी थीम पे डिज़ाइन किया लगभग पूरा मिलाकर इसके जो बाल वगैरह है उस देख के तैसे ही लग रहा है, तो मुझे उतना अच्छा बंडल नहीं लगा। कुल मिलाकर ये लाइट पास ठीक ठाक लगा है, 300 से 400 डायमंड की वैल्यू ये रखता है और डिस्काउंट में आता है तबको जरूर से इसको लेना चाहिए। तो आपकी क्या राय है आप हम लोग कमेंट करके जरूर से बताना।